प्लगइन्स तो हमने सीख लिए, डिफरेंट तरह के प्लगइन्स हमने ट्राई किए. यू ट्राइड जेट पैक, यू ट्राइड वू कॉमर्स, यू ट्राइड डिफरेंट न्यू फॉर्म्स एंड फंक्शनैलिटीज दैट प्लगइन्स अलाउ यू टू डू. कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आपने ट्राई किया, साथ ही साथ आपने कुछ बिल्डर्स प्लगइन्स ट्राई किए लाइक डीवी, लाइक एलिमेंटर. बट ऑल ऑफ इट, जो भी आपने अभी तक किया, दिस कम्स डाउन टू वन सिंपल थिंग. And what is that one simple thing? That simple thing is making money. कैसे आप पैसे कमा सकते हैं इस सारी चीज़ों को सीख के? और पैसे कमाने के लिए आपको एक स्किल सीखनी पड़ेगी, और वो स्किल है बिडिंग की. और इस टॉपिक में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिडिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपना फोकस रख सकते हैं टू फाइंडिंग द क्लाइंट दैट इज नॉट जस्ट गुड फॉर यू बट दैट इज गुड फॉर योर बिजनेस. हाउ कैन यू लॉन्च योर ओन वर्डप्रेस बिजनेस यूजिंग अ फ्रीलांसिंग प्रोफाइल? मैं आपको अपनी इस पर एक स्टोरी सुनाता हूँ. आज से तकरीबन 10 साल पहले आई स्टार्टेड अ वेबसाइट विच मेड मी मिलियंस, बट सून आफ्टर आई जम्प्ड इनटू फ्रीलांसिंग. और फ्रीलांसिंग में जम्प करने से पहले मैंने अपने जेन में एक चीज सोची, और वो ये कि क्या मैं ऐसी चीज ऑफर कर सकता हूं अपने क्लाइंट को जो दुनिया में और कोई नहीं ऑफर कर सकता. एंड दैट्स द मेंटालिटी दैट यू नीड टू थिंक अबाउट. सो व्हेन बिडिंग फॉर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, वेदर इट्स फाइवर, वेदर इट्स freelancer.com और वेदर इट्स upwork.com, यू हैव टू थिंक व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. और इसको हमारे हिशाम सरवर भाई, जो कि कोर्स जिनका फ्रीलांसिंग का ले रहे होंगे साथ, वो इसको कहते हैं सतरंगी फार्मूला. और उस सतरंगी फार्मूले में देर आर 7 डिफरेंट एरियाज दैट यू हैव टू थिंक अबाउट बिफोर मेकिंग योर पिच, बिफोर पुटिंग इन योर बिड. एक और तरीके से मैं इसको सोचता हूं, वो तरीका ये है कि आप अपने क्लाइंट को कैसी पिच दे रहे हैं. सो टुडे आई विल गिव यू अ फॉर्मूला टू मेक योर परफेक्ट पिच. वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, इट हैज 5 P's इन इट. 5 P अगर आपकी बिड में इंक्लूड होंगे तो आपकी पिच क्लाइंट का प्रोजेक्ट जीत सकती है. वो 5 P क्या है? द फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम. क्लाइंट की वो कौन सी प्रॉब्लम है जो क्लाइंट ने अपनी ब्रीफ में शेयर की हुई है, जिसको आप रीआइट्रेट करके शेयर कर रहे हैं. सो द फर्स्ट फोकस इज ऑन द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को रीआइट्रेट करें और उसको रीफ्रेज करके दोबारा क्लाइंट के सामने पेश करें, ताकि क्लाइंट को नजर आए कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं. द सेकेंड वन इज द प्रोडक्ट. एंड प्रोडक्ट से मुराद है वो सोल्यूशन जो आप वर्डप्रेस को यूज करते हुए अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे. इट कुड बी अ वेबसाइट, इट कुड बी अ बंच ऑफ प्लगइन्स टुगेदर, इट कुड बी एनीथिंग, बट द प्रोडक्ट इज एट द सेंटर ऑफ दिस पिच. रिमेंबर, याद रखिएगा कि परफेक्ट पिच के 5 एरियाज हैं, जिनमें से 2 मैंने आपको भी बता दिए हैं, प्रॉब्लम एंड प्रोडक्ट. लेट्स फोकस ऑन द अदर वन. द थर्ड इज द पीपल. You would be surprised, but when bidding your products, your clients want to know you. Your clients want to know कि आप कौन हैं, आप कैसे products को pitch करते हैं, और आप कैसे experience क्या है. So try to show your profile कि आप WordPress कब से use कर रहे हैं, and आपका portfolio जो है वो कैसा है. So people and portfolio go hand in hand. This were the third P. फोर्थ पी क्या है? फोर्थ पी इज योर प्रोग्रेस, कि आपने आज तक वर्डप्रेस के कैसे कैसे प्रोडक्ट्स को हैंडल किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, दिखाएं उसको, कॉन्फिडेंस दें अपने क्लाइंट को कि कैसे आपने वर्डप्रेस के डिफरेंट चैलेंजेस को हैंडल किया है.
And the last P is the plan. कैसे आप अपने client के project को handle करेंगे? कितनी timeline आपको required है? कैसे आप ये project करेंगे? क्या technologies को use करेंगे? कौन से WordPress plugins को use करेंगे? कौन सी themes को use करेंगे? कैसे आप वो confidence देंगे अपने client को कि you are the best person to do this project? If you have this 5P in your pitch, then you will be able to win your project from your client. And make sure कि जब आप bid भी करते हैं इस तरह के projects के लिए, तो you have these 5Ps embedded in your pitch. Client के लिए bidding करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, but हमेशा याद रखें कि आप अपने client के shoes में अपने आप को रख के सोचें और देखें कि आर यू द राइट पर्सन टू डू द जॉब. एंड अबव ऑल, एक बोनस पी जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूं वो है प्राइसिंग. डू यू हैव द स्वीट स्पॉट इन प्राइसिंग? प्राइसिंग से मुराद है कि आप किस कॉस्ट में काम करके देंगे. कॉस्ट इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए. कॉस्ट शुड बी राइट. कि क्लाइंट जब आपकी कॉस्ट को देखे तो वो कहे कि यार ये बंदे से ही मैंने काम कराना है और इस बंदे को ही मैंने प्रोजेक्ट देना है. एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब आप बिडिंग कर रहे होते हैं, योर जॉब इज नॉट टू विन दैट प्रोजेक्ट डायरेक्टली, योर जॉब इज टू गेट एन इंटरव्यू. अगर आपका क्लाइंट आपको शॉर्टलिस्ट कर लेता है इंटरव्यू के लिए, दैट्स वे यू कैन मेक योर फाइनल पिच. सो व्हाइल मेकिंग द ऑनलाइन बिडिंग, your job is to score an interview. Agar aap apne liye ek interview score kar lete hain, to you have the chance to land the project. So what I want to do is, I want to go online and I want to show you some of the bids from my profile. And main aapko dikhata ki agar main bid likhta to main kaise likhta. Jaate hain live aur dekhte hain ki kaise bidding karte hain freelancing profiles pe for WordPress projects. अब हम जाते हैं upwork.com पे और वहाँ पे हम देखते हैं कि क्लाइंट को कैसे आप बिडिंग करेंगे. सो वील गो टू upwork.com एंड मैं आपको अपनी प्रोफाइल इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आप भी अपने आप को एज अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर शो कर सकते हैं. सो यू कैन सी आई हैव मेड $40,000 जस्ट फ्रॉम upwork.com सो फार एंड आई हैव 91% जॉब सक्सेस. And साथ ही साथ I have explained myself as a WordPress expert. So these are my profile attributes. जिसमें मैंने 52 jobs किए हैं, 800 घंटे का काम किया है. I'm not that active anymore, but this is how I have put myself out there in the world. और मेरी work history आप देख सकते हैं. और साथ ही साथ मैं आपको इस पर कुछ proposals दिखाना चाहूँगा. सो ये मेरा वर्क रोस्टर है और इस वर्क रोस्टर पे आई एक्चुअली ट्राई टू शो यू हाउ आई ट्राई टू विन प्रोजेक्ट्स. वेल क्लिक ऑन दिस ई बुक रिव्यू एंड मार्केटिंग एडवाइस एंड आई शो यू मैसेजेस एंड फाइल्स ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे मैंने ये प्रोजेक्ट्स जीते और किस तरह की बिडिंग मैंने की. सो यहाँ पे आपको एक मैसेजेस की लिस्ट है जो नज़र आएगी. बट मोर देन दैट व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज कि आई विल ट्राई टू सर्च फॉर वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स एंड आई विल ट्राई टू शो यू कि वहाँ पे बिड आप कैसे कर सकते हैं. देखिए मैंने वर्डप्रेस को सर्च किया और वहाँ पे आ गया नीड अ वर्डप्रेस डेवलपर टू मेक अ वेबसाइट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट या रिमूव दिस एरर, ये अर्जेंट है. हेयर मैनिकिन वेबसाइट, ये एक और है. और साथ ही साथ मंथली ब्लॉग्स फॉर क्रिश्चियन मिनिस्ट्री, इस तरह के डिफरेंट तरह के कन्वर्ट्स XD डिज़ाइन टू वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स हैं. तो किसी भी एक प्रोजेक्ट को उठा लेते हैं. और इस प्रोजेक्ट को देखते हैं कि अगर आप इस पे बिड करते हैं तो कैसे करते हैं. ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स आपको सामने नज़र आ रही हैं. यू क्लिक ऑन सबमिट प्रपोजल एंड यहाँ पर वो आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछेंगे. You have to answer these questions with as much detail as possible and with as honestly as possible.
Do you want to submit the proposal? Yes. WordPress developer skills and expertise, WordPress, ye aap pe depend karta hai, but I usually recommend anyone who's starting with very first job should not have a rate that is higher than $8 and should not have a rate which is lesser than $4. So $4 se $8 aap iske beech mein apna ek rate jo hai wo decide kar sakte hain. And then you have the cover letter. Your cover letter is your most important piece of information. So cover letter ko dekh ke aap bata sakte hain apne client ko ki aap uske sath kaise interact karenge. Cover letter mein wohi satrangi formula jo Shyam bhai ne bataya hua hai, you can add it here. Try to add your portfolio, try to attach jo bhi aapne kaam abhi tak kiya hai, jis tarah ka bhi kiya hai, and try to show what is it that makes you different than all the other people out there. So yahan pe bid karte hue you must have again those 5 P's. Wo 5 P's kya the? Sabse pehla is you mention the problem. सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे, अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे, उसके साथ ही यू विल शो द प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट इज इन सम केसेस यू योरसेल्फ, द प्रोडक्ट इज इन सम केसेस योर वर्डप्रेस वेबसाइट. तो आपने प्रोडक्ट शो करना है. थर्ड नंबर पे यू हैव टू शो द पीपल, वेदर इट्स यू, वेदर इट्स समबडी आउट देयर, यू हैव टू शो द पीपल हु आर द पीपल जो कि इस प्रोडक्ट को हैंडल करेंगे. यू हैव टू शो योर प्रोग्रेस सो फार इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स यू हैव डन. And you will show the plan. कि आपका plan क्या है. जब आपकी bid में ये 5 P's included होंगे, and obviously the pricing. Pricing मैंने आपको बताई है कि if you're starting, $4 से कम ना रखें, $8 से ज़्यादा ना रखें. That's a good price to start with. You can create magic with WordPress. So please try to look into this in detail. Different तरह की biddings को try करें. कुछ हमारे participants होंगे already जो कि projects जीत रहे होंगे. You know, congratulations to you, but जो नहीं भी जीत रहे वो demotivate ना हो, because there is a whole world out there for WordPress. So try to learn WordPress as much as possible and try to change your life with WordPress.